वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू अगेन अनदर सेशन ऑफ बायोलॉजी क्लास। और आज की क्लास में हम 10th क्लास के बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है आवर एनवायरनमेंट ठीक है, हमारा पर्यावरण। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम ठीक है, ऊर्जा का जो प्रवाह है वो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के थ्रू किस तरह से होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण मतलब आवर एनवायरनमेंट ठीक है, तो हमारा पर्यावरण मतलब इसका मतलब क्या है, क्योंकि पर्यावरण एनवायरनमेंट जो है वो तो उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल किसी का उसमें राइट नहीं है, है ना। पर्यावरण तो सबका है ना, तो सबका है मतलब इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो हमारा पर्यावरण है ना, ठीक है। तो जनरली से परिचय जनरली परिचय इंट्रोडक्शन देखे, है ना, तो हम जानते हैं कि जो पर्यावरण जो होता है ना, अब पर्यावरण डायरेक्ट पर्यावरण में तो नहीं आता है ना। बात करते हैं सोलर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम सौर मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सौर मंडल जो होता है, सोलर सिस्टम एक्चुअली एक परिवार है, सूर्य का सोलर फैमिली कहा जाता है। और इस सोलर फैमिली में 8 ग्रह है, प्लैनेट ठीक है, 8 प्लैनेट ठीक है। और इस 8 ग्रह में से एक ऐसा भी ग्रह है जिसे पृथ्वी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी, ये जो अर्थ जो है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या पाया जाता है, लाइफ पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाए जाते हैं, मतलब इसलिए हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी 8 ग्रहों में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, ठीक है। तो यही हम देखेंगे कि इस पृथ्वी पे जीवन है, तो जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि जीव भी अपना लाइफ स्पेंड करेंगे, जीवन है ना, तो इसमें जीव में ही जो मतलब लाइफ प्रोसेस जो भी होता है, प्रोसेस जो होगा वो जीव में होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी में जो पर्यावरण है उसमें किस तरह से जो जीव जंतु पेड़ पौधे और या अन्य जो जीवधारी जो होते हैं वो किस तरह से इस पर्यावरण में अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, और किस तरह से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप अर्थात अंतर संबंध बनाते हैं। अंतर संबंध जो होता है, ठीक है, जो जीव जो होते हैं, ठीक है, कोई भी जीव है, ठीक है, जीव है, ठीक है। और ये जीव जो होते हैं वो प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, या अन्य जो अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अन्य जो जीव होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म, ये सभी जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये, अंतर संबंध स्थापित करता है, इंटर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से इंटर रिलेशनशिप बनाएंगे इस पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ आपको यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या बोल सकते हैं यहाँ पर जो अजैविक जो अबायोटिक कंपोनेंट जो घटक होता है, ठीक है, क्योंकि अजैविक घटक की आवश्यकता होती है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब ये जैविक घटक हो, ये जैविक घटक है और ये अजैविक घटक है ना, तो दोनों साथ में है ना, क्योंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बिना अजैविक घटक के बिना वो अपना लाइफ नहीं चला पाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है, भोजन चाहिए, है ना। तो भोजन आपको प्लांट से मिल जाएगा, एनिमल को भोजन, ठीक है, लेकिन प्लांट को भोजन बनाने के लिए ये अबायोटिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप यहाँ पर संबंध स्थापित करता है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे गार्डन है, कहीं पे घास वास उगे रहते हैं, ठीक है। आप वहां पर चाकों का कुछ बना ले रहा है वहां से बांस वगैरह या छोटे से लकड़ी की सहायता से, ठीक है। ऐसा कोई गार्डन है या कहीं पे ग्रास घास वगैरह पाया जाता है, ठीक है। उस घास के पास, ठीक है, उस घास के पास आप जाके इसको रख देंगे वहां पे। आप लोग समूह में ग्रुप में रहेंगे, चार पांच फ्रेंड आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप वहां पर कोई भी यहाँ पे ग्रास है ना, ठीक है, घास है, तो घास में वहां पे इसको लकड़ी से बना हुआ है, कंपार्टमेंट टाइप का बना है ओपनली, ठीक है, उसको रख देंगे आप। रखने के बाद वहां पे देखेंगे कि आपको वहां पे ऑब्जर्वेशन करते रहना है, अवलोकन करते रहना है कि वहां पे कितने सारे जो जीव जंतु जो है, चाहे वो इंसेक्ट जो कीड़े जो होते हैं, वो कीड़े ही क्यों ना हो, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पे आते हैं, एंट वगैरह होते हैं, चींटी वगैरह भी होते हैं, है ना। तो कितने जीव जंतु वहां पर आते हैं, क्या करते हैं, आपको सबको वहां पे कोरिलेट वहां पर आपको नजर आएगा। तो वहां पर आपको क्योंकि पृथ्वी है मतलब इस पृथ्वी पे आपको अबायोटिक कंपोनेंट के रूप में यहाँ पे सॉइल मिल सकता है, सॉइल मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर सॉइल जो मिट्टी जो होते हैं, वहां से जितने भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो सब वहां पर एक दूसरे से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वहां से एक दूसरे से इनपुट आउटपुट वहां पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको जो जीव जो होते हैं वो आपको सम पोषी ऑटोट्रॉपिक मिलेगा और साथ में हेटरोट्रॉपिक मिलेगा, है ना। और हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं वो अपना भोजन के लिए डिपेंड तो ऑटोट्रॉपिक पे ही रहता है, और वो अलग अलग भोजन के जो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको वो ग्रहण करते हैं, उस आधार पर उसको जो कंज्यूमर के रूप में उसको डिवाइड किए रहते हैं ना। तो उस तरह से आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको यहाँ इसकी सहायता से आपको कौन कौन से जीव के बीच में किस तरह से इंटर रिलेशनशिप अंतर संबंध बन रहा है वो आपको दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अंतर संबंध की स्थापित के लिए जो अध्ययन करने से यहाँ पर हमको एक चीज जरूर यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको खाद्य पदार्थ मिल रहा है, ठीक है। साथ में तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये इसको रहने के लिए जगह मिल रहा है, आवास मिल रहा है, ठीक है। अब जब किसी भी जीव को खाद्य मिल जाता है, रहने के लिए आवास मिल जाता है, तो ये जो कोई भी जो जीव होते हैं वो अपने आप को एक सेफ महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, और जब वो सुरक्षित महसूस करता है तो फिर वो क्या करने लगता है, प्रजनन करने लगता है, ठीक है। अब प्रजनन करते हैं तो फिर उसको एक न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, न्यू बॉर्न जो भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मिलता है, है ना। तो इस तरह से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतर संबंध स्थापित करते हैं। क्योंकि आप एग्जांपल के रूप में आप देखेंगे जहाँ पे आपने पिछले क्लास में अध्ययन किए हैं, जहाँ पर आपको याद होगा, ठीक है, लास्ट क्लास में आपने जो यहाँ से तो टॉपिक देखे होंगे, ठीक है, जैसे कि कुटुम्बसर की गुफा आपको पता होगा, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुटुम्बसर गुफा, ठीक है। आपको मालूम होगा कि कुटुम्बसर की गुफा जो है वो बस्तर जगदलपुर में, आपको जगदलपुर जो प्लेस है वहां पे है कुटुम्बसर की गुफा। और यहाँ उनकी खास बात यह है कि यहाँ पर अंधी मछली पाई जाती है, ठीक है। तो अंधी मछली यहाँ पर पाई जाती है, आपको याद होगा इस अंधी मछली का आवास के बारे में वहां पर क्या किया था, अध्ययन किया था, तो इनका अध्ययन आपको मालूम होगा, ठीक है। जो शंकर डॉक्टर जो शंकर नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, डॉक्टर शंकर जो थे, उन्होंने इस अंधी मछलियों का क्या किया था, अध्ययन किया था कि उसका आवास किस तरह से वो आवास अपना बनाते हैं, और वो किस तरह से अपना जो फूड जो भोजन होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं आवास में,
फिर वो प्रजनन करते हैं अपने, ठीक है। तो वहां पर फिर वो क्या करते हैं, उनके आवास जो होता है, हैबिटेट जो होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया, और साथ में उन्होंने देखा कि वो जो अंधी मछली जो होता है वो किस तरह से उन्होंने क्या क्या एक फूड चेन का निर्माण करता है, ठीक है। फूड चेन मतलब यहाँ पर कुतुबशाह की गुफा में पाए जाने वाले जितने वहाँ पर जो जीव जो होते हैं, वो वहाँ से जो प्रोड्यूसर से वहाँ पर जो कंज्यूमर से, ठीक है, उत्पादक होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उत्पादक के रूप में कुतुबशाह की गुफा में छोटे छोटे घास वहाँ पे पानी में था, वहाँ पर वो उत्पादक, ठीक है, उत्पादक यहाँ पर। लेकिन उसके बाद आपको कंज्यूमर नजर आएगा, तो कंज्यूमर के रूप में वहाँ पर अंधी मछलियाँ थे, छोटे छोटे मछलियाँ थे, बड़े बड़े मछलियाँ थे, बड़े मछलियाँ छोटे मछलियों को खा जाते थे, ठीक है। फिर एक समय ऐसे भी आता था कि जो कंज्यूमर जो होता है वो डेड हो जाते हैं, तो डेड हो जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, वो वहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है, अवघटक हो जाते हैं, ठीक है। और अवघटक होने के बाद वो मिल जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, जॉब हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो साइकिल जो होता है वो चलते रहता है ना। तो इस तरह से जो जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो ये जनरली अवर एनवायरनमेंट में छोटा सा परिचय रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है ना। तो अब यहां पर देखते हैं जो एनवायरनमेंट जो पर्यावरण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। छोटे छोटे यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाहे वो एनटीएससी एग्जाम हो, साइंस क्विज एग्जाम हो, या फिर आपके दसवीं के मुख्य परीक्षा जो एग्जाम होता है, ठीक है, वहां पर भी यहाँ से कुछ मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण के बारे में जस्ट छोटा सा इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जैसे कि एनवायरनमेंट जो है वो आपको याद रखना है कि एनवायरनमेंट जो होता है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट जो होता है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, एनवायरनर, ठीक है, इसको कहा जाता है फ्रेंच भाषा में एनवायरनर कहा जाता है। और इस एनवायरनर का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनर से लिया गया है, सॉरी एनवायरनर, ठीक है, एनवायरनर से लिया गया है, और इसका मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है। तो चारों ओर से घिरा हुआ, कैसे चारों ओर से घिरा हुआ, मान के चलते हैं जो हिंदी का जो शब्द है पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है, ये पर्यावरण को यदि हम तोड़ दिया जाए, इसका विग्रह कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, तो ये हमको प्राप्त होता है परिधन आवरण, ठीक है, परिधन आवरण पर्यावरण, ठीक है। और परि का मतलब आपको मिलेगा चारों ओर से घिरा हुआ, सेम यहां, ठीक है। तो चारों ओर क्योंकि आवरण बोल सकते हैं, आवरण का मतलब क्या होता है, अब घेरा हो सकता है ये, या घेरा नहीं तो आवास हो सकता है, ये हो सकता है ना।
तो घेरा आवास आवरण जो होता है, एक घेरा आवास होता है जो चारों ओर से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, और उसी को क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक आवरण है, ये एक आवरण है, ठीक है, और ये जो आवरण है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अब चारों तरफ से घिरा हुआ है तो चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण है यहां पर क्या होते हैं, जो जीव जो है, ठीक है, कोई भी जीव है, और ये जो जीव इस आवास या परिवेश, ठीक है, विज्ञान के लिए एक बहुत अच्छा शुद्ध शब्द आपको मिलेगा, परिवेश शब्द यूज मिलता है, परिवेश या जो आवरण है ना, तो कोई भी जो जीव है ये जीव क्या करते हैं, ये आवास या आवरण में ये है, और ये आवरण में है, और ये यहाँ पर क्या होते हैं, जो जैविक जैविक घटक होते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, तो जैविक और अजैविक घटक ये चारों ओर से एक कहां से घिरा हुआ है, आवरण से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जीव जो है जैविक अजैविक घटक और आवरण से चारों ओर से ये घिरा हुआ है। अब चारों ओर से जब घिरा हुआ है तो ये क्या करते हैं, आपस में ये अंतर क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अंतर क्रिया। ठीक है, अब अंतर क्रिया जब होता है इनके बीच में, अंतर क्रिया जब होता है तो अंतर क्रिया होने के बाद यहाँ पर जीवन क्या हो जाता है, जीवन की संभावना हो जाती है, क्या हो जाती है, जीवन की संभावना होती है, और इसी को कहा जाता है एनवायरनमेंट या पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो परिभाषा यहाँ से जो मैंने बताया कि जो जीव जो होते हैं वो जैविक और अजैविक और आवरण, ठीक है, अपने आवरण में जो है ना, तो आवरण में जब वो है तो ये अंतर क्रिया करेगा, अंतर क्रिया इंटर रिलेशनशिप करेगा, ये अंतर क्रिया संबंध, अंतर संबंध इंटर रिएक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन करेगा, और फिर उसके बाद ये जीवन संभावना हो जाती है, तो इसी को कहा जाता है पर्यावरण। और ये जो जो पर्यावरण का जो आशय है वो पर्यावरण संरक्षण, भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक संरक्षण लाया था जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये जो आया था 1986 में, 1986 में आया था। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण को बताया कि जो पर्यावरण जो होता है, ठीक है, किसी भी जीव के चारों ओर, ठीक है, ये जीव है, और जीव के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, अजैविक और जैविक घटक पाए जाते हैं, और साथ में आवरण पाया जाता है, तो ये इनके साथ क्या करेगा, अंतर क्रिया करेगा, और अंतर क्रिया करके क्या करते हैं, अंतर क्रिया जब करते हैं तो इनमें जीवन की संभावना नजर आती है, और इसी को कहा जाता है पर्यावरण कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन प्लीज। चलिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखे,
ठीक है, कि पर्यावरण जो है, ठीक है, इस पर्यावरण में कोई भी जीव, ठीक है, अब जीव जो है वो अकेला तो नहीं रहेगा इस पर्यावरण में, है ना। तो ये जो जीव जो होता है वो किस में रहता है, समूह में रहता है, ठीक है। तो जो जीव जब समूह में इस पर्यावरण में रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, जीव समुदाय कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जीव समुदाय कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो जीव जो समुदाय जो है, हमने देखा कि ये किस तरह से इंटर रिलेशनशिप कर रहे हैं, अंतर संबंध स्थापित कर रहा है ना। तो अंतर संबंध जब स्थापित करता है तो अंतर संबंध, ठीक है, अंतर संबंध या अंतर क्रिया, ठीक है, अंतर क्रिया या अंतर संबंध जब ये स्थापित करता है ना, तो यहाँ पर इनका जीवन संभव होता है। तो इसी का जो अध्ययन करते हैं, इसी का जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसी का जो अध्ययन करते हैं, इसे ही कहा जाता है, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो अध्ययन जो कर रहे हैं वो इकोलॉजी है, और ये इकोलॉजी का सबसे पहली बार, ठीक है, 1966, ठीक है, 1966 के आसपास इकोलॉजी जो है, इस इकोलॉजी का अध्ययन एक साइंटिस्ट ने किया था। ये हमेशा 10वीं के मल्टीपल एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी जो शब्द है, ये इकोलॉजी शब्द मतलब किसने दिया है। तो आपको याद रखना है, इकोलॉजी जो शब्द है ये एक साइंटिस्ट के अर्नेस्ट हेकर, ठीक है, अर्नेस्ट हेकर ने इकोलॉजी शब्द लिया है, ठीक है। इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी 1966 में अर्नेस्ट हेकर ने सबसे पहले बार इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या होता है, जो जीव जो होते हैं समूह में रहते हैं, समूह में रहते हैं तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इन्हीं जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब कभी पारिस्थितिकी जब अध्ययन करते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी जीव जो होते हैं, ठीक है, ये जितने भी जीव जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेचर में हो रहा है, किसमें हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, किसमें हो रहा है, प्रकृति में या नेचर में हो रहा है ना। तो नेचर में मतलब पर्यावरण, पर्यावरण का पार्ट है नेचर, है ना, नेचर मतलब पर्यावरण ही नेचर का पार्ट है ना। तो यहाँ पर प्रकृति में यहाँ पर एक क्या बन जाता है, तंत्र बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। और इसी सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम कहा जाता है, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इकोसिस्टम जो शब्द है वो पहली बार 1935 में एक साइंटिस्ट थे ए जी टेंसले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके दसवीं, आपके दसवीं के मुख्य परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम जो शब्द है वो 1935 में एजी टेंसले, ठीक है, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकर ने किया था 1966 में, ठीक है। अब जब यहाँ पर अर्नेस्ट हेकर ने जब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था तो क्या बताया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैंने आप लोग को बताना यहाँ पर भूल गया, आप याद रखिएगा कि ये जो इकोलॉजी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो इकोलॉजी जो है, ठीक है, ये जो इकोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है,
ठीक है याद रखना, एक होता है इको और एक होता है लोगोस। ठीक है, इको का मतलब क्या होता है? जो इको है, इस इको का मतलब होता है क्या होता है, या तो हम इसको होम बोल सकते हैं, ठीक है, या तो फिर इसको हैबिटेट हैबिटेट बोल सकते हैं, आवास। ठीक है, और ये लोगोस मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। कैसे अध्ययन करना? तो ये जो अमरेश हेगर ने क्या बताया कि जो नेचर जो है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा क्योंकि प्रकृति में है, प्रकृति में ये जीव समुदाय आपस में अंतर संबंध कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम बना रहा है और यहाँ पर इनका अध्ययन कर रहा है इकोलॉजी में, है ना। तो यहाँ पर प्रकृति में जब सिस्टम बना तो उस सिस्टम को इको सिस्टम कहा गया है। ठीक है, तो अमरेश हेगर ने क्या बताया कि जो इकोलॉजी जो होता है, उन्होंने बताया कि जो प्रकृति जो है ना, प्रकृति को क्या बताया कि जो नेचर जो है, जो प्रकृति जो है, ठीक है, प्रकृति को क्या बताया कि ये एक घर है या ये आवास है। ठीक है, इन्होंने यही बताया कि जो प्रकृति जो होता है वो घर है या हमारा क्या है, वो आवास है। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट है जो पर्यावरण के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, पर्यावरण को कहा जाता है, ठीक है, पर्यावरण जो होता है, ठीक है, पर्यावरण के बारे में कहा जाता है कि जो पर्यावरण जो होता है, ठीक है, एक भौतिक, ठीक है, पर्यावरण एक भौतिक जीव संकल्पना है, जीव संकल्पना संकल्पना है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण जो है वो एक भौतिक जीव संकल्पना है। क्या है इसका मतलब? देखिए, पर्यावरण मैंने शुरू में ही बताया कि पर्यावरण या जो जीवन जो है वो पृथ्वी पे है। ठीक है, पृथ्वी पे है, और आपको मालूम है कि इस पृथ्वी पे आपको बहुत सारे भौतिक आपको घटक या जो कारक फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स और जो कंपोनेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पृथ्वी पे जो भौतिक फैक्टर्स जो आपको नजर आएगा, ये भौतिक आपको ये अजैविक भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? अजैविक भी हो सकता है और साथ में जैविक हो सकता है। ठीक है, तो इसी जैविक और अजैविक जो घटक या कंपोनेंट्स जो होते हैं, इसी के आधार पर ही जो जीव जो होते हैं क्या होता है, जीव जो होता है वो जीव क्या होते हैं, एक दूसरे से ही क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि जो पर्यावरण जो होता है वो एक भौतिक जीव संकल्पना है। भौतिक जीव संकल्पना इसलिए है कि पृथ्वी पे जो जीव जो होते हैं वो अजैविक और जैविक कंपोनेंट संगठक संगठक जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है,
एकदम छोटा छोटा टोल टोल के बताऊंगा आप पॉइंट पॉइंट आप इसको एकदम बेसिक है, ज़्यादा आपको बोर नहीं लगेगा, एकदम ज़्यादा हम व्याख्या व्याख्या नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि घटक के रूप में अजैविक और जैविक, ठीक है। तो आप जब पर्यावरण जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो पर्यावरण के स्टूडेंट को यहाँ पर तीन वैज्ञानिकों का नाम जरूर आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। एक होता है अग्नेश हेगर, ठीक है, और एक होता है एजी टेंसले। क्या होता है? एजी टेंसले होता है, और एक वैज्ञानिक होता है ओडम, ओडम, ठीक है। तो यहाँ पर अनेश वेहिकल के बारे में देख लिए कि जो अनेश वेहिकल जो है इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था, ठीक है। इसके बाद एजी टेंसले ने क्या बताया, इन्होंने इकोसिस्टम शब्द दे दिया कि प्रकृति जो है प्रकृति में इस सिस्टम पाए जाते हैं, और उसी सिस्टम में प्रकृति में रह के जो जीव जो होते हैं वो इंटर रिलेशनशिप करता है, ठीक है। तो इंटर रिलेशनशिप करता है इन्होंने बता दिया टेंसले ने, ठीक है। तो यहाँ पर ओडम जो वैज्ञानिक है उन्होंने 1897 में बताया, ठीक है, 1897 में बताया कि जो इकोसिस्टम जो है, ठीक है, क्या बताया ओडम ने, बताया कि इस इकोसिस्टम में, ठीक है, इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट जो होता है, ये कंपोनेंट, ठीक है, घटक, ठीक है, ये जो घटक जो घटक या कंपोनेंट जो फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, ये दो दृष्टि में आपको ये नजर आएगा, ठीक है। एक जो होता है वो फंक्शनल होता है, ठीक है, आप इकोसिस्टम में आप देखेंगे जो कंपोनेंट जो घटक जो है, ठीक है, इस इकोसिस्टम में, ठीक है, ओडम ने 1897 में बताया कि इस इकोसिस्टम में जो घटक आपको जो दिखाई देता है वो आपको फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक नजर आएगा, ठीक है। और दूसरा आपको जो नजर जो आएगा वो आपको कैसे नजर आएगा, स्ट्रक्चरल नजर आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक नजर आता है, ठीक है। देखिए कैसे संरचना, यहां पर आप सोचेंगे कि हमने तो घटक में देख लिए, घटक में क्या होता है, फंक्शनल होता है, और एक हो गया स्ट्रक्चर। तो हमने कंपोनेंट में देखा कि जो फंक्शनल किस में होगा, तो आपको याद होगा यहां पर फंक्शनल के रूप में, यहां पर फंक्शनल होता है, तो फंक्शनल कहां पे होता है, कहां पे होता है बताइए, फंक्शनल कहां पे होता है, फंक्शनल होता है स्वपोषी विषमपोषी, ठीक है। ये जो स्वपोषी और विषमपोषी जो जीव जो होते हैं यही जीव ही फंक्शनल करता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं संरचनात्मक की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो संरचनात्मक जो होता है, ये संरचनात्मक भी आपको दो नजर में आता है, ठीक है। कैसे दो नजर में आएगा, ये दो नजर आपको मिलेगा, एक होता है जैविक मतलब बायोटिक, ठीक है, और एक होता है अजैविक, अजैविक अजैविक मतलब अबायोटिक, ठीक है। तो इसी को इन्होंने बताया कि ओडम ने बताया कि जो जीव जो होते हैं, है ना, जीव को इस इकोसिस्टम में जो घटक जो होता है वो दो नजर हमको दिखाई देता है, दृष्टि में दिखाई देता है, एक होता है फंक्शनल जो स्वपोषी और विषमपोषी होता है, और कहीं ना कहीं जो ये जो जैविक घटक जो होते हैं इसी जैविक घटक में ही फंक्शनल होता है स्वपोषी और विषमपोषी, और यहाँ पर स्ट्रक्चरल जो है संरचनात्मक में ये दो ही है, जैविक और अजैविक, ठीक है। तो अनेश हम देखते हैं जैविक और अजैविक को देख लेते हैं, ठीक है।
ऐसा भी बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जो इकोसिस्टम सिस्टम या इसको पारितंत्र कहा जाता है, और ये जो पारितंत्र जो होता है वो किससे बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये जो इकोसिस्टम जो है, ठीक है, ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है, याद रखिएगा। एक होता है अजैविक, अजैविक कंपोनेंट से बना हुआ है, और एक जो होता है वो जैविक घटक से बना हुआ है, ठीक है, अजैविक और जैविक घटक से ही बना हुआ है, ठीक है। इकोसिस्टम जैविक और अजैविक कंपोनेंट से ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखना, ये तो घटक की बात हुआ, लेकिन यदि हम किसी को पर्यावरण में पढ़े, ठीक है, क्योंकि हम पर्यावरण भी है, हमारा टॉपिक पर्यावरण भी है, पर्यावरण में ही हम तो वहां पर इकोसिस्टम तंत्र बन रहा है ना, है ना। तो इस पर्यावरण में जो तंत्र बन रहा है, तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अजैविक पर्यावरण की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अजैविक पर्यावरण में आपको यहाँ पर तीन नजर आने वाला है, ठीक है। क्या क्या नजर आने वाला है? एक होता है स्थल मंडल, क्या होता है? स्थल मंडल होता है, और एक आपको नजर आने वाला है वायुमंडल, और एक आपको नजर आएगा क्या? जल, ठीक है। तो ये सब क्या है? अजैविक या भौतिक है, क्योंकि हमने पर्यावरण में पढ़े थे कि जो पर्यावरण जो होता है वो एक भौतिक जीव संकल्पना है, भौतिक यही है भौतिक, ठीक है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ठीक है। तो यहां पर जो अजैविक घटक आपको वहां पर इकोसिस्टम बना हुआ है, अजैविक और जैविक घटक से बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अजैविक घटक मतलब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सिंपल सा बोल सकते हैं निर्जीव, सिंपल सी बात, निर्जीव है, नॉन लिविंग, ठीक है। यहां पर जैविक है, जैविक है तो सिंपल है, ये लिविंग होगा, ठीक है। तो कैसे अजैविक घटक होगा? तो यहां पर जो अजैविक घटक जो नजर आएगा, ठीक है, ये सिंपल नजर आएगा आपको, ये तो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। देखिए कैसे एक आपको मिलेगा ये, ठीक है, अकार्बनिक कहा जाता है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, और एक आपको मिलेगा कार्बनिक, ठीक है, और एक आपको मिलेगा जलवायु घटक, ठीक है। तो यहां पर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में जितने भी मटेरियल आपको नजर आता है, कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब होता है जो कार्बन से बना हुआ है, और अकार्बनिक जो कार्बन से नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ में जैसे कि आप बालू है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बना हुआ है, प्रोटीन में भी कार्बन पाया जाता है, वसा होता है, फैट होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो होते हैं, है ना, अमाइनो एसिड वगैरह होते हैं, ये सब में क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको लिक्विड भी नजर आएगा, ठीक है। बात करते हैं अकार्बनिक की, बात करते हैं तो अकार्बनिक आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन, मिल जाएगा कार्बन, मिल जाएगा नाइट्रोजन, मिल जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है, सल्फर मिल जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर ये नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन, साथ में यहाँ पे फेरस नजर आता है, आयरन, ठीक है। तो पर्यावरण के केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जलवायु घटक की बात करते हैं, कि जब क्योंकि अकार्बनिक जो है वो कार्बनिक बिना जलवायु घटक से नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ताप नजर आएगा, टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे दाब नजर आएगा, ठीक है। तो ताप, दाब और जो नमी होता है, और आपको एक और आर्द्रता, ठीक है।
तो ये सब जलवायु घटक होते हैं और इसी जलवायु घटक के आधार पर जो जीव जो होते हैं वो अकार्बनिक में रिएक्शन होगा और कार्बनिक बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैविक घटक की। बात करते हैं तो जैविक जो घटक जो होते हैं, जैविक घटक में आपको तीन यहाँ पर नजर आएगा। एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर उत्पादक कहा जाता है। और जरूरी बात है उत्पादक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो प्रोड्यूसर होते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर है प्लांट। और ये 10वीं की मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और जब आप किताब जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उसको प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है, पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखना कि जो प्लांट जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू वो भोजन बनाते हैं, है ना, इसलिए इसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब प्रोड्यूसर एकमात्र प्रोड्यूसर ही है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा जो आपको नजर आएगा कंज्यूमर, ठीक है, तो कंज्यूमर कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, है ना, तो स्वयं नहीं बना पाते हैं तो ये कंज्यूमर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं, प्रोड्यूसर से। मतलब हम सिंपल से बोल सकते हैं कि कोई भी कंज्यूमर भोजन नहीं बना पा रहा है तो प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, मतलब प्रोड्यूसर को खा के अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं कि उनका जो पोषक जो होते हैं, जो ट्रॉफिक जो होते हैं, यदि उसके लेवल की बात करें, ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं वो एक दूसरे से वहां पर जुड़े हुए रहते हैं। मतलब यहाँ से कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर से जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल जो स्टार्ट जो होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, इस प्रोड्यूसर से। मतलब ये प्रोड्यूसर को हम क्या बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं, और जो कंज्यूमर जो होता है वो T2, ठीक है। और यहाँ पर जो कंज्यूमर जो होते हैं वो आपको प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर C1, ठीक है, दूसरा आपको C2 मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, टर्शरी C3, ठीक है, और यहाँ पर आपको चौथा वाला भी मिलेगा, चतुर्थक अभूतक, तो यह हो जाएगा C4, ठीक है। तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय और चतुर्थक यहाँ पर कंज्यूमर प्राप्त होगा, लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो T1 है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोड्यूसर से ही ग्रहण कर रहा है ना, तो ये T1 हो गया। तो T1 तो T2 कहाँ से शुरू हो जाएगा, जो C1 है वो T2 है ना, और जो C2 है वो T3 हो जाएगा, और ये T4 और ये T5, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, 10वीं के मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब कंज्यूमर जो होते हैं, एक समय ऐसा आता है कि कंज्यूमर अपना जो लाइफ जो होता है वो लाइफ जो एक्टिविटी जो होता है वहां पर स्टॉप हो जाता है ना, खत्म, मतलब लाइफ प्रोसेस जहां पे समाप्त हुआ, मतलब जो जीव जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब जीव खत्म हो जाता है तो जीव जो खत्म हो जाते हैं तो उसको धीरे धीरे और अदर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, या तो एब्जॉर्ब के थ्रू वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर कहा जाता है, कम्पोजर, ठीक है, अवघटक कहा जाता है। तो अवघटक में आपके जितने भी जैसे कि कवक होता है, ठीक है, कवक फंगस होता है, आपका जीवाणु जो होते हैं, ठीक है, और कुछ कीड़े वगैरह जो होते हैं, है ना, ये सभी इसमें आते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इकोसिस्टम जो होता है वो चलते जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो कंपोनेंट डिकम्पोनेंट जो है, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लेना आप इसको, ठीक है। चलिए यही इसी को हम पूरा समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम जैविक में शुरुआत करते हैं, मान लीजिए ये एक पौधा है, ठीक है, मान लीजिए ये
ठीक है, मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है पौधा, ठीक है प्रोड्यूसर है, ठीक है कैसे प्रोड्यूसर है, ये सोर्स है सूर्य, क्योंकि सूर्य से ताप भी मिलेगा जलवायु घटक, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये सूर्य का लाइट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है ठीक है। तो सूर्य हमको नजर आता है ऊपर आसमान में नजर आता है, आसमान में मतलब सिंपल सी बात बोल सकते हैं मतलब वायुमंडल, वायुमंडल बोल सकते हैं, वायुमंडल में अलग अलग लेयर में रहते हैं, ये वायुमंडल है, वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश यहाँ पे धरती पे पड़ रहा है, धरती मतलब स्थल मंडल, ठीक है कहाँ पे पड़ रहा है, स्थल मंडल में पड़ रहा है, ठीक है स्थल मंडल में पड़ रहा है। अब ये स्थल मंडल है और ये वायुमंडल, ठीक है। अब पेड़ पौधे या जीव जंतु जो होते हैं वो आपको नजर आएगा स्थल में ही, क्या होते हैं आपको मिलेगा क्या जल, ये मान लीजिए जल नदी तालाब रिवर, रिवर होते हैं, सी होता है, ओशन होता है, ठीक है पॉन्ड होता है, ये सब जलमंडल के पार्ट है ये, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से पड़ रहा है इधर। अब आपको मालूम है कि वायुमंडल में बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक है उस लेयर में बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 20.95% है ना, तो ये 78% अभी इसी मात्रा कुछ कम हो गई, बढ़ गई है, ठीक है। और ये जो O2 है वो 20.95%, ठीक है हाइड्रोजन 0.0001%, और यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा 0.03%, साथ में और आपको आर्गन नियॉन हीलियम जैसे बहुत सारे अनेक एलिमेंट्स प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब कई प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ेगा ताप होगा, तो ऊपर में हमने इवोल्यूशन पढ़े थे, इवोल्यूशन में देखे थे कि किस तरह से आसमान वहां पे, अब हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर H2O तो बन ही जाएगा, ठीक है H2O यहाँ पर बनेगा और गैस गैस के फॉर्म में आपको, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन के निर्माण हो रहा है गैसेस है, और गैस में एक क्वालिटी होती है, कोई भी गैस जो होता है ठीक है, और गैस में एक क्वालिटी होता है कंडेंस, ठीक है कंडेंस होता है, अब संघनित होता है धीरे धीरे, जो इससे जो गैस के जो अणु जो होते हैं आपको मालूम है दूर दूर में रहते हैं, है ना, फिर वो बाद में कंडेंस होता है, तो जो अणु जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पास पास आ जाते हैं, और पास बनाने से क्या हो जाता है वो क्लाउड क्लाउड बना लेते हैं, और जब क्लाउड जब ठीक है, तो ये कंडेंस हुआ, जो मॉलिक्यूल है वो पास पास में आया मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जब पास में आया तो ये आपस में वो मिलकर क्या बना लेते हैं क्लाउड बना लेते हैं, बादल बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से क्या हो गया टकरा गया, और टकराने से भी यहाँ पे क्या हो गया बरस गया रेन बारिश। अब बारिश जब होगा अब बिजलियां चमकने लगती है, आपको मालूम है बिजली लाइट मिल रहा है वहां पे, टेम्परेचर तो इलेक्ट्रिक सिटी हो रहा है वहां पर, विद्युत फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वहां पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगेगा तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे की ओर क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित जब होता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे कंपाउंड आपको नजर आएगा, ठीक है NO2, ठीक है NO2 और AO और AO3, ये सब आपको नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है NO4 भी आपको नजर आएगा, तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह से जब बारिश होती है तो नाइट्रोजन के जो कंपोनेंट ये सब जो होते हैं वो रिएक्शन के थ्रू ये बारिश में बूंदे में आती है, और ये जो सॉइल होता है सॉइल के अंदर में क्या है यहाँ पे पेड़ है, पेड़ में रूट है, तो यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा पानी की मात्रा से आ जाएगा, मतलब इस पेड़ में नाइट्रोजन मिल जाता है।
ठीक है। और जीव जंतु जो होते हैं नाइट्रोजन को इसी पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन यूजफुल है लेकिन नाइट्रोजन डेंजरस भी है जीवों के लिए, क्योंकि हम जैसे जो जीव जो होते हैं इन नाइट्रोजन को इनडायरेक्ट फॉर्म में ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ तक की बात। आप देखिए सूर्य की रोशनी जब यहाँ पे पड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही गया, कार्बन ही ठीक है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे उत्सर्जन होता है ना। तो CO2 आपको यहाँ पर मिल गया CO2, और यहाँ पर वाटर भी मिल गया, बारिश हुई तो या पृथ्वी पे बारिश आ गई इस जल भंडार में पृथ्वी में, है ना। तो यहाँ पर CO2 और H2O, और यहाँ पर है सनलाइट मिल रहा है, और कहाँ पे ये पत्ती के पड़ेगा, और पत्ती में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल है, अब क्लोरोफिल यहाँ पे क्या होगा केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन जब होता है ठीक है, क्योंकि यहाँ से सोलर एनर्जी जो होता है यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सोलर एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या बना लेता है ग्लूकोज, या जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बन हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 ये बना लेता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन और जो होता है ये वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और साथ में यहाँ पर 6 है कितना यहाँ पर की किलो कैलोरी यहाँ पर एनर्जी प्राप्त होता है एटीपी के फॉर्म में, वहां पर किलो कैलोरी के फॉर्म में ठीक है, लगभग 686 किलो कैलोरी के आसपास ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट है उन्होंने ऊर्जा फूड बना लिया प्रोड्यूसर, ठीक है, बना लिया प्रोड्यूसर, ठीक है। अब यहाँ पर बना प्रोड्यूसर बन गया है वो, ठीक है। तो जब प्रोड्यूसर जब बना पौधे प्रोड्यूसर बन गया है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर जो होते हैं उस प्रोड्यूसर को खाने के लिए कहीं ना कहीं कोई कंज्यूमर आएगा, तो कंज्यूमर C1 C2 नजर आएगा, C3 नजर आएगा, C4 नजर आएगा, इसके बाद ये क्या हो जाता है डीकम्पोज हो जाता है, अपघटन हो जाता है, ठीक है। आप देखिए कहीं ना कहीं कोई भी जीव इस पेड़ पौधे को मान लीजिए शाकाहारी वाले, ठीक है, C1 जो होते हैं वो शाकाहारी वाले जीव होते हैं, ठीक है। तो कोई भी शाकाहारी जीव है जैसे शाकाहारी में मान लीजिए ये बकरी है, ठीक है। अब बकरी को खाने वाले कहीं ना कहीं आपको यहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा सर्वाही, ठीक है, सर्वाही नजर आएगा आपको, और यहां पर आपको नजर आएगा मांसाहारी, ठीक है। और मांसाहारी ये टू होता है, ठीक है। टू इसलिए कहते हैं कि ये हाई होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है, और ये हाइगर होता है, हाइगर, ठीक है। तो बकरी को खाने वाले कौन मिल गया, कहीं ना कहीं मनुष्य खाता है, भेड़ भी खा सकता है, जो भेड़िया वाले भेड़िया भेड़िया होते हैं भेड़िया, ठीक है, और कुत्ते वगैरह भी इसके मांस को खाते ही हैं, ठीक है। तो देखिए ये शाकाहारी बकरी इसको खाएंगे, और बकरी को खाने वाले कौन है सर्वाही, और ये जो मनुष्य जो है या जो मनुष्य जो सर्वाही इसलिए इसको भी ग्रहण करता है, इसको भी ग्रहण करता है, ठीक है। अब इस बकरी को खाने वाले ये मांसाहारी है, मांसाहारी खा सकते हैं, ठीक है, और ये जो मांसाहारी जो है इस सर्वाहारी वाले को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको वहां पर वो पूरा डिटेल आपको इस तरह से क्या होता है चलते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप बात करते हैं कि जैसे मनुष्य है, ठीक है, तो मनुष्य को खाने वाले कोई ना कोई यहाँ पर जीव मिलेगा, ठीक है। तो कैसे जीव मिलता है, मांसाहारी का जो हाई लेवल के जो जीव आपको जो मिलेगा ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर जो सर्वाहारी जो होता है, ठीक है, वो भेड़िया यहाँ पे आएगा, ठीक है, भेड़िया, ठीक है। तो भेड़िया जो होता है वो मांसाहारी होते हैं, साथ में आपको यहाँ पे श्रृंगाल श्रृंगाल वगैरह होते हैं, ठीक है,
मोर होते हैं, ठीक है, ये सब मांसाहारी होते हैं, ठीक है। और एक चीज और होता है लोमड़ी, लोमड़ी होता है, ये सब मांसाहारी है। अब इसको खाने के लिए एक और हाइयर आपको जीव मिलेगा, जहां पे ये दो जीव जो होते हैं इस भेड़िया को भी खा सकते हैं, श्रृंगाल को भी खा सकते हैं, लोमड़ी को भी खा सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको मिलेगा बाघ, ठीक है, शेर, ठीक है, और एक होता है बाज, बाज होता है बाज, ठीक है, और ठीक है, तो ये सब इसमें आता है ना। तो C1, C2, C3, C4 ये कंज्यूमर है जो चलता है, और इसी को हम ट्रॉपिक लेवल पे देखा जाए तो प्रोड्यूसर यहाँ पर पहला यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसे ट्रॉपिक लेवल 1 और ये T2 और ये T3 और ये T4 आपको नजर आएगा, ठीक है। अब कोई भी जीव जब मर जाते हैं, तो जीव जब मर जाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं, अपघटक हो जाते हैं। तो अपघटक में आपको फंगस मिल गया, बैक्टीरिया मिल गया, और साथ में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल गया है आपका, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब आपका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। अब जब आपका अस्तित्व समाप्त हुआ तो यहाँ पर जो एनर्जी, जो ऊर्जा जो होता है वो कहीं ना कहीं नेचर में चला गया। इसी नेचर पे, क्योंकि जो जीव जो खत्म हुआ तो जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, वायु, जल, ठीक है, और क्या बचा, आकाश, आकाश, ठीक है। तो ये अपघटक हुआ इस पृथ्वी पे, पृथ्वी पे मतलब मिट्टी, ठीक है, मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में जब मिलेगा तो वायु चलेगी, और वायु जब चलेगी तो वो उड़ जाएगा, है ना, और उड़ेगा तो आकाश में चला जाएगा। और मान लीजिए जिसको जलाया जाता है अग्नि में, और अग्नि में जलाएगा तो क्या करेगा, राख बनेगा, तो राख, अग्नि, ये पृथ्वी, पृथ्वी पे रख के ही जलाया जाएगा, जलाया जाएगा तो उड़ेगा वायु में, वायु में उड़ेगा तो आकाश में चला जाएगा, और ये इसको विसर्जन किया जाता है जल, है ना। तो इस तरह से जो जीव जो होते हैं वो इस तरह से क्या होते हैं, फिर वहां से ये रिसाइकल फॉर्म में ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरली पर्यावरण के सामान्य जानकारी है, परिचय है, ठीक है। इसके बाद कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा, हमारा नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो वहां पर मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ के आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको इकोसिस्टम पढ़ना है, ठीक है। इकोसिस्टम के सामान्य जानकारी को बता ही दिया मैंने, देखेंगे कि इकोसिस्टम के कितने प्रकार होता है, इकोसिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में जो दिया है, खेत, खेत वाला जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खेत वाला, ठीक है। तो इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और जब इकोसिस्टम के प्रकार जब देख लेंगे तो यहाँ पर पिरामिड पढ़ना पड़ेगा हमको, पिरामिड देखेंगे, और पिरामिड जो होता है वो जीव संख्या के आधार पे, ठीक है। ये पिरामिड आपको तीन पिरामिड यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है भार के आधार पे, एक जो होता है संख्या के आधार पे, और एक जो होता है वो एनर्जी के आधार पे। तो पिरामिड यहाँ पर देखेंगे, और पिरामिड देखने के बाद यहाँ पर हम चक्र देखेंगे साइकिल के रूप में, जहाँ पे आपका नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, कार्बन साइकिल होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब होने के बाद अब यहाँ पे एक चीज और है, जो एनर्जी वाला जो है, इस एनर्जी वाले में एक नियम देखेंगे, ठीक है, जिसे 10% लॉ कहा जाता है। तो 10% लॉ भी देख लेना आप लोग, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है ये 10% लॉ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जो मनुष्य जो है वो पर्यावरण को किस तरह से इंटरफेयर कर रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमारा यहाँ का टॉपिक क्लियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।